हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम क्लास 8 के साइंस की शीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 22। इसमें चैप्टर लाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल लाइट्स, मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट्स रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। अगर मिरर आमने सामने लगाती जाएं तो क्या है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। वन मिरर से रिफ्लेक्ट होके अनदर मिरर पे जाएंगे, अनदर मिरर से फिर सेम मिरर पे वापस बैक आएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, जैसे कि हम बार्बर की शॉप पे देखते हैं जब हमारे हेयर कट होते हैं और वो बार्बर हमें मिरर दिखाता है। आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। Recall the last time you visited a dresser. She he makes you sit in front of mirror. After your hair is cut complete, she he holds a mirror behind you to show how the hair has been cut and you could see the hair at the back of your head. The reflected light rays can be reflected again if incident on another mirror and form a multiple image. तो जब बार बार हमारे बैक पे मिरर लगाता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं हम, तो क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्ट होती है दोबारा, रिफ्लेक्टेड लाइट अनदर मिरर पे और अनदर से वापस बैक। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हो जाती हैं। और ये किस पे भी डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। एंगल कितना बन रहा है मिरर्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है, यू हैव लर्न अबाउट पेरिस्कोप इन क्लास 6। पेरिस्कोप क्या होता है? अब पेरिस्कोप इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जो किस पे ये वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे। और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। जब मिरर से मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इस प्रोसेस को मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। कई बार रिफ्लेक्शन होने के प्रोसेस को ही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहते हैं और इससे मल्टीपल इमेजेस भी बनती है। तो पेरिस्कोप इस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर। पेरिस्कोप में क्या होता है, दो प्लेन मिरर्स होते हैं एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे दो प्लेन मिरर रख दिए जाते हैं। और किस लिए यूज होता है, पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड also by soldiers in bunkers to see things outside which are not in direct range over the mirror, not direct range over the viewer, ठीक है। तो पेरिस्कोप क्या है, दो प्लेन मिरर्स को किसी भी एंगल पे रखने से पेरिस्कोप बनता है। और ये किस लिए यूज होता है, सबमरीन्स में, पानी की पनडुब्बियों में यूज होता है। बाहर कैसे देख व्यू करना है जो हम अपनी डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, तो वो किसी एंगल पे उस एंगल से देखने के लिए पेरिस्कोप यूज होता है। सबमरीन में यूज होता है, टैंक्स में यूज होता है आउटसाइड व्यू के लिए, और सोल्जर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेरिस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लाइडोस्कोप क्या होता है। क्लाइडोस्कोप वर्क्स ऑन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो इसका सेम है ये, कैलेडोस्कोप किस पे करता है वर्क, वर्क्स ऑन द मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से मल्टीपल इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, इस प्रिंसिपल पे क्लाइडोस्कोप वर्क करता है। हाउ कैन यू मेक योर ओन क्लाइडोस्कोप, आप कैसे अपना क्लाइडोस्कोप बना सकते हैं। क्लाइडोस्कोप के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, कैसे बनता है क्लाइडोस्कोप। थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स, स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, टू ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस, कार्ड शीट एंड सेलो टेप। तीन हम प्लेन मिरर ले लेंगे, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, तीन प्लेन मिरर ले लिए इक्वल साइज के, और दो ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस, ये इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे 120 के एंगल पे ऐसे करके, और जो ये लास्ट में होंगे यहाँ ग्लास पीसेस लगा देंगे दोनों आगे और पीछे। और कार्ड शीट चाहिए हमें और सेलो टेप चाहिए चिपकाने के लिए। तो स्टेप वन में क्या है, कंस्ट्रक्शन इसकी देख लेते हैं कैसे होते हैं। टेक थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स एंड ज्वाइन देम एज शोन इन फिगर, ऐसे उसे ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर दैट
सेकंड है स्लिप द रबर बैंड्स ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब, इसके ऊपर रबर बैंड्स को स्लिप कर देंगे। फिक्स दिस ट्रायंगुलर ट्यूब इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, अब इसको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाल देंगे जैसे कि ये है इस ट्यूब में। टेक टू ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर वन ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर, ग्लास ले लेंगे, ग्लास की ये ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स यहाँ और यहाँ इस कॉर्नर पे लगा देंगे और इसको कवर किससे कर देंगे, ट्रेस पेपर से। एक को कवर वन ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट को कवर कर देंगे हम ट्रेस पेपर से। फोर्थ प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब सच दैट इट इज ए लिटल इनसाइड द ट्यूब, जो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट है उसे वन एंड पे फिक्स कर देंगे ऐसे कि वो थोड़ी सी इनसाइड रहे ट्यूब के। नाउ प्लेस सम मल्टीकलर बैंगल पीसेस ओवर इट, उसके बाद इसके ऊपर मल्टीकलर बैंगल पीसेस को प्लेस कर देंगे, दिखाया गया है इधर। और कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट कवर्ड विद ट्रेसिंग पेपर एंड कवर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विद ए पीस ऑफ कार्ड शीट एंड मेक ए होल इन द सेंटर सो दैट द इनसाइड व्यू कैन बी सीन थ्रू दिस होल, द क्लाइडोस्कोप इज रेडी, आपका क्लाइडोस्कोप रेडी हो चुका है, पीप थ्रू द होल डायरेक्टिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टूवर्ड्स लाइट, तो इसके अंदर देखेंगे जब हम लाइट की तरफ करके तो बैक से लाइट आएगी और हमें अंदर के ये कलरफुल्स चीजें दिखेंगी इसके अंदर क्लाइडोस्कोप में। ठीक है, ये हमारा लाइट का चैप्टर होता है, शीट हो गई हमारी। उसके बाद ये फोर क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्हाट इज पेरिस्कोप एंड वेयर इट इज यूज्ड, पेरिस्कोप हमने पढ़ लिया था, यहाँ था इसका। पेरिस्कोप इज ए डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और ये कहाँ यूज्ड होते हैं, सबमरीन्स में, टैंक्स में, सोल्जर्स के पास, तो इसके आंसर मैंने यहाँ अलग से लिख लिए हैं। व्हाट इज पेरिस्कोप एंड वेयर इट इज यूज्ड, पेरिस्कोप इज ए डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल, दो प्लेन मिरर्स होते हैं पेरिस्कोप में, और पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी द थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन द डायरेक्ट रेंज ऑफ द व्यूअर, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू है ये, हाउ कैन यू सी ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर, हम अपने पीछे के ट्रिम्ड हेयर कैसे देख पाते हैं जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। तो वी कैन सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ आवर बैक व्हेन वी गो टू द हेयर ड्रेसर व्हेन ही शी होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड अस, जब वो हमारे पीछे मिरर लेके खड़ा होता है, होल्ड करके खड़ा होता है, तो हम अपने बैक के हेयर देख पाते हैं। एंड हाउ द हेयर, इसके बाद था अस, हाउ द हेयर हैज बीन कट ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो ही शोल्ड मिरर टू शो अस, तो हम पीछे के हेयर अपने देख पाते हैं, और कैसे कैसे देख पाते हैं, ये ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, और ये किस पे बेस होता है, द रिफ्लेक्टेड लाइट रेस कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ द इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर एंड फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है रिफ्लेक्टेड अगेन करती है, जो बैक मिरर जिसमें हेयर ड्रेसर होल्ड करता है, इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर एंड फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो इस वे में हम अपने ट्रिम्ड हेयर देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप, ये हमने यहाँ पढ़ा था क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका, कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू है स्टेप वन से। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, हम ये लिखेंगे क्लाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप यहाँ से लिख लेंगे और इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स, तो स्टेप वन क्या होगा, यहाँ से जो हमने रीड कर लिया था, स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगी क्लाइडोस्कोप की, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, अब ये है
पैरलर मिरर्स हैं, तो जैसे आपने हेयर ड्रेसर पे देखा होगा, अगर पीछे भी मिरर होता है और आगे भी मिरर होता है तो हमारी बहुत सारी इमेजेस बन रही होती है आगे तक, तो वो हमें आगे तक नहीं दिख पाती पर बहुत सारी इमेजेस होती है, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। तो ऐसी अगर एक कैंडल रख दें और उसके दोनों तरफ आगे भी मिरर और पीछे भी मिरर, तो कितनी कैंडल्स दिखेंगी? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। 40 रखो, 50 रखो, 10 रखो, 20 रखो, कितने भी सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अगर पैरेलल मिरर रखे हुए हैं दोनों तो क्या होंगे? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। ठीक है गाइस, तो ये फोर्थ आंसर हो गए, या पॉज करके वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।